गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन फॉर क्लास टू। फिर से क्लास दो के लिए हम आए हैं साइंस लेकर। इसके पहले हम लोग एक लेसन पढ़े थे आवर बॉडी, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेन के बारे में पढ़े थे, जो सेंस ऑर्गेन्स हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आज हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड माई बॉडी, मीन्स इंटरनल ऑर्गेन, शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, उसे हम इंटरनल ऑर्गेन्स कहते हैं। द ऑर्गेन्स विच आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेन्स। शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं, जो कई हैं। उनमें से दो का आज स्टडी करेंगे और बाकी का भी बारी बारी से स्टडी करेंगे। आइए देखें, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उनमें से दो आज जो हम स्टडी करेंगे वे कौन हैं। फर्स्ट है स्टोमेक। स्टोमेक जिसको हम लोग कहते हैं समान बोलचाल की भाषा में पेट, लेकिन वास्तव में इसका मीनिंग होता है अमाशय। पूरा पेट नहीं, बल्कि पेट के अंदर एक अंग होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पीसता है और पचाता है। आइए देखें कि वह कहाँ पर और कैसे होता है। हमारे छाती के नीचे अस्टोमेक पाया जाता है, जिसकी बनावट एक थैली जैसी होती है। अस्टोमेक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद ए पाइप। यह बैग लाइक अस्टोमेक एक पाइप से लगा होता है, जो हमारे मुंह से अंदर की ओर जाती है। माउथ से जब भोजन लेते हैं तो अंदर कंठ के पास, गले में कंठ के पास से एक नली, एक पाइप निकलती है जो स्टोमेक तक जाती है। इस पाइप को फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। दिस फूड पाइप अलाउज फूड टू गो टू द स्टोमेक। भोजन जो हम यहाँ मुंह में लेते हैं वह फूड पाइप में आता है और फूड पाइप से स्टोमेक में आता है। स्टोमेक में आकर के इसमें भोजन को चर्ण किया जाता है। यह स्टोमेक का काम है। स्टोमेक का काम क्या है? भोजन को चर्ण करना, मतलब पीसना, है ना। स्टोमेक हेल्प्स चर्न द फूड। और दूसरा काम है स्टोमेक का डाइजेशन, पाचन। स्टोमेक आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरह से स्टोमेक, जो कि केवल मांस का बना, मांसपेशियों का बना एक थैली जैसी रचना है, इसमें फूड पाइप से भोजन आते हैं और स्टोमेक फैलता और सिकुड़ता है, जिससे कि भोजन पिचाता है और भोजन पचता है। यह है स्टोमेक। दूसरा ऑर्गेन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, वो है लंग्स। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं, है ना। हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, ये सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। इसी की मदद से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें, लंग्स का स्ट्रक्चर। ये कहाँ होते हैं? ये हमारे छाती में होते हैं। हाँ, देर आर टू लंग्स। कितने होते हैं? टू। हाँ, देर आर टू लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट कैविटी। हमारे छाती में दो लंग्स होते हैं। लंग्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मसल्स, ये भी मांसपेशियों के बने होते हैं। हमारे मुंह के पीछे यहाँ एक बताया गया फूड पाइप, एक और पाइप होता है। मुंह के पीछे से दो पाइप निकलती है, एक पाइप भोजन को पहुंचाता है स्टोमेक में, एक दूसरा पाइप होता है जो हवा को पहुंचाता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस नाक से प्रवेश करके और मुंह के रास्ते एक दूसरे पाइप में जाती है, उस पाइप को कहते हैं विंड पाइप, वायु नली। विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोज टू द लंग्स। यह विंड पाइप क्या करता है कि फेफड़े को हवा देता है, जो हम हवा सांस में लेते हैं। चूंकि हमारे लंग्स दो होते हैं, आइदर साइड ऑफ द चेस्ट के दोनों साइड में होते हैं बाय द एंड, तो यह विंड पाइप हमारे चेस्ट में जाकर के ब्रांच बनाती है, दो शाखा बनाती है। देख लीजिए, एक ये है और एक ये दो शाखा, दो ब्रांच बनाती है और दोनों ब्रांच अलग अलग दो फेफड़ों में जाती है। इस तरह से हमारे दो लंग्स होते हैं। लंग्स की बनावट लगभग ट्रायंगुलर होती है, तिकोना, ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा होता है। ये लंग्स भी फैलते और सिकुड़ते हैं। ये लंग्स हैं दोनों, ए और ए, ना, फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, जिसे हम सांस लेना और सांस छोड़ना कहते हैं।
आइए देखें इसका फंक्शन क्या है, जो बार बार मैं बता रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ लंग इज ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। श्वसन क्रिया इसका मूल काम है लंग्स का। श्वसन क्रिया हम दो चरणों में पूरा करते हैं। एक बार सांस लेते हैं तो हमारी छाती फैलती है, है ना। हवेन वी टेकिंग एयर आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, एंड हवेन वी रिलीज एयर आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती सिकुड़ती है। सांस लेना कहलाता है ब्रीद इन, एंड सांस छोड़ना कहलाता है ब्रीद आउट। सो द फंक्शन ऑफ लंग्स इज ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। स्टोमेक भोजन को पचाने में मदद करते हैं और लंग्स सांस लेने में मदद करते हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब इसके आधार पर आपको भी कुछ काम करना है। यू हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेक एंड लंग्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।